या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। पुणे संचलित सेवाधाम ट्रस्ट सोलापूर शाखा, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था सोलापूर, जिल्हा शाखा व महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ मुंबई मर्यादित मजरेवाडी सोलापूर प्रकल्पाच्या संयुक्त विद्यमाने प्रकल्पाचे शाखा व्यवस्थापक माननीय मुदस्सर अन्सारी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली व सेवाधाम प्रकल्प सोलापूर व्यवस्थापक माननीय महेश काळोखे, अभियंता माननीय तांबोळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोलापूर महानगरपालिका आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर पल्लोलू वाय एच सर यांचे आरोग्यविषयक शास्त्रोक्त व्याख्यान व आरोग्य तपासणी, सर्व रोगांवर मोफत औषध उपचार, खास करून प्रकल्पात काम करणारे महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर शहर व जिल्ह्यासह इतर राज्यातील स्थलांतरित अभियंता अधिकारी पर्यवेक्षक कर्मचारी बांधकाम कामगार लोकांसाठी शिबिर मजरेवाडी नई जिंदगी सोलापूर येथे शिबिर संपन्न झाले। सदर शिबिरात मनपा वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर पल्लोलू वाय एच सर यांनी निरोगी जीवन जगण्यासाठी व विविध प्रकारच्या संसर्गजन्य रोगापासून बचाव करण्यासाठी लैंगिक रोगांविषयी प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी प्रथमोपचार, वैद्यकीय स्वच्छता व आरोग्यदायी पर्यावरण, लसीकरण यांचे महत्व, संतुलित आहार, विविध संसर्ग व लैंगिक रोग यापासूनचा बचाव, उत्तम जीवनशैली व योग्य आचरण, व्यायाम प्राणायाम, योग्य निद्रा व आरोग्य सेवेसाठी उपलब्ध शासकीय योजनेचा उपयोग करण्यासाठी अंमलात आणण्यासाठी संपूर्ण व्याख्यान हिंदी भाषेतून मनपा सोलापूर वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर पल्लोलू वाय एस सर यांनी सविस्तरपणे समजावून सांगितले। सदर कार्यक्रमामध्ये शिबिराचे प्रमुख व्याख्याते डॉक्टर पल्लोलू सरांचे व सेवाधाम ट्रस्टचे मॅनेजर माननीय महेश काळोखे यांचा सत्कार माननीय प्रकल्प व्यवस्थापक माननीय अन्सारी यांच्या हस्ते शाल व बुके देऊन करण्यात आला। सदर शिबिर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सेवाधाम ट्रस्टचे कार्यक्षेत्र अधिकारी माननीय वर्षा गडकरी मॅडम, समुपदेशक माननीय रोहित जाधव, पर्यवेक्षक माननीय रमेश अवताल, पर्यवेक्षक माननीय श्रवण चंदन शिवे, सोलापूर जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्थेचे तंत्रज्ञ माननीय शीतल सूर्यवंश, माननीय बाळकृष्ण पेंडकाळे, माडा प्रकल्पाचे पर्यवेक्षक अधिकारी माननीय जयत पाटील आदींनी परिश्रम घेतले आहे। ये हम जब अस्पताल मोहल्ला दवाखाने या बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जब जाते हैं उसके पहले उसकी चिकित्सा लेने के दौरान पहली चिकित्सा प्रथम चिकित्सा जब आपके स्थानीय क्षेत्र पर चाहे बनकर का अपोजिट का क्षेत्र हो, मकान हो, जहाँ भी हो, अपना लोकल एरिया में से जो हम प्राइमरी चिकित्सा जो देते हैं प्राइमरी चिकित्सा प्रथम चिकित्सा तो उसे बोलते हैं प्रथम उपचार। तो प्रथम उपचार का उद्देश्य बहुत सारे से लोगों ने आपको मालूम है मराठी में आप घरगुती उपाय घरगुती चिकित्सा प्रथम उपचार याचा अर्थच असा आहे की आपण ज्यावेळी हॉस्पिटल आणि दवाखाना ज्यावेळी एखाद्या स्पेशालिटी हॉस्पिटलला जाण्यापूर्वी घरामध्ये स्थानिक क्षेत्रामध्ये जे उपचार आम्ही करतो काळजी घेण्यासाठी कुणाचे जीव वाचवण्यासाठी किंवा जे संरक्षण करण्यासाठी किंवा झालेले इन्फेक्शन जे असतात ते इन्फेक्शन कमी करण्यासाठी किंवा रोखण्यासाठी वाढू नये याच्यासाठी जे आम्ही चिकित्सा करतो त्याला घरगुती चिकित्सा असतात। तो जो बीमार उत्पन्न होता है चाहे संसर्गिक बीमार हो असंसर्गिक हो जहाँ बांधकाम के क्षेत्र में चोट लगी हो जख्म है खून बह रहा हो किसी को हेडेक हो झटका हुआ है या किसी को हेडेक है चेस्ट पेन हो रहा है या किसी को उल्टे जुलाब ज्यादा हो रहा है हमारे हमारे होल से साइड से वक्ता को दूर दूर है नजदीक में पास में चिकित्सा नहीं मिल सकता है ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए। ऐसे समय पर हमें अपने स्थानीय क्षेत्र पर कुछ चिकित्सा होते हैं वो चिकित्सा हमें करना चाहिए उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के उद्देश्य चार हैं। कौन से उद्देश्य है चार है। पहला फर्स्ट एड उद्देश्य है कि किसी का जान बचाने के लिए कुछ चिकित्सा हमें करना जान बचाने के लिए। दूसरा चिकित्सा जो है किसी को इन्फेक्शन हुआ चोट लगी है इन्फेक्शन है खून बह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए खून का प्रतिरोध हमें करना है खून भरना नहीं है उसके खिलाफ में हमें क्या करना चाहिए खून को रुकाव करने के लिए चिकित्सा करना चाहिए। ये चिकित्सा हमारे पास दवा मैंने दूर दूर पर है हमें ये चिकित्सा करना चाहिए या किसी को काम करते करते हो नहीं साफ हो कुछ भी मिले हो किसी ने काटा हुआ वहाँ पे दर्द हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए उसकी चिकित्सा हो या किसी को काम करते वक्त में झुकते फेफड़े आते हैं मन में आते
कन्वर्शन इपिलिप्सी हम बोलते हैं, इपिलिप्सी तो ऐसे करके बीमार रहे, ऐसे बीमार जो रुग्ण मरीज में क्या करना चाहिए उसका भी कुछ हिस्सा है। किसी को छाती में दर्द हो रहा है, चेस्ट पे रहे हैं, अभी हृदय पर है, तो उसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी हम कुछ बता नहीं सकते। एक घंटे के पहले हमारे साथ से बात कर रहे थे, उसके बाद में आदमी छाती में आज छाती में दर्द हुआ, पेन हुआ है, छाती में क्या ऐसे बैठे हैं, बैठे बैठे मर गए, ऐसे हमने बहुत सारे अखबारों में हमने न्यूज में चैनल में ये सभी जगह पर हमने ये न्यूज देखा है, सुना है कि ऐसे ऐसे छाती में दर्द हो गए, उसे आप हर कहते हैं जो बीमार की भाषा में हर कहते, तो उसे बचाने के लिए साइड पे मुझे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ चिकित्सा मजबूती हो मिसाइल हो उसके बारे में कुछ जानकारी आगे बढ़ना चाहिए। ये उसे बचाने के लिए योग इसे अभी इन्फेक्शन है, किसी को बीमार आ गया है, सडन में बीमार आता है, किसी को साइड पर है माइग्रेन का भी बारिश आने वाला है, क्या आने वाला है, बारिश आने वाली, बारिश के आसपास के परिसर में अपना टेम्परेचर डाउन होने वाला है, इतना टेम्परेचर नहीं रहने वाला है, बारिश आने वाला है, हर जगह पे पानी होता है, पानी इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद में मच्छरों का पैदा, मच्छर जो होते हैं मच्छर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर कम है मच्छर बढ़ने लगता है, आजूबाजू के वातावरण के ये धीमी गति से या धीमी के टेम्परेचर की वजह से मच्छर बहुत बढ़ते हैं, उसमें से हालांकि तीन चार मच्छरे बहुत बड़े जो हर साल में हर जगह पर हर सिटी में हर राज्य में हम अपने अखबार में सुनते हैं पढ़ते हैं मलेरिया की मच्छर से के रोग का जान गया है, स्वाइन या स्वाइन फ्लू की हो चाहे डेंगू के मच्छर के बारे में शिकायत के मरीज हो, ऐसे लोग मरे हुए ऐसे हम अखबारों में हम पढ़ाई करते उसमें जानकारी देते हैं, चाहे मलेरिया हो चाहे डेंगू, इस तरह से ऐसे दिक्कतें होती है। अभी थोड़े दिन में आई थिंक दैट अगले मंथ से 7 जून होने के बाद में अभी बारिश की शुरुआत होने वाली है, उसके पहले ही अभी मैंने कल दो बार ये देखा है यूट्यूब पे न्यूज देखा है उसका, चाहे ये मंथ एंड में मे के मंथ एंड में मानसून केरल से मानसून या अपने देर मानसून का आगमन होना है, इस तरह से हम लोगों ने आपको अपनी न्यूज देखा है, तीन तरह को देखा है, तो हमें अलर्ट रहना बहुत जरूरत है, अलर्ट इसलिए रहना चाहिए हमें इन्फेक्शन ना हो या मेरे परिवार के लोगों को इन्फेक्शन ना हो या मेरे साथीदारों को मेरे पड़ोस को या मेरे कम्युनिटी में किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसके हमें इसके लिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है। पिछले 2 साल आप लोगों ने जानकारी लिया है एक्सपीरियंस लिया है, बहुत लोगों का बहुत मरीज लोगों का मैयत आपने देखा है घर के बाजू में पड़ोस में अपने घर में, अभी कौन सा बीमार आपने ये देखा है, हम लोगों ने कोविड का इन्फेक्शन आपने देखा है इतने 2 साल में, मैंने उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने निभाया है, ऑपरेशन का मेडिकल ऑफिसर को ये काम मैंने ट्रेनिंग लेके WHO का ट्रेनिंग लेके मैंने जिम्मेदारी लिया है, बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने बचाया है, तो अपनी जिम्मेदारी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद अप है, फिर उसके बाद में सरकार खुद हेल्थ की जिम्मेदारी, हेल्थ किसका है पड़े तुम्हारा हेल्थ तुम्हारे हाथ में, आपका हेल्थ का पहराव इन्फेक्शन किस तरह से इन्फेक्शन से किस तरह से हमें बचाना चाहिए, इसलिए हमारा कुछ जिम्मेदारी अब है, तो फर्स्ट एड में ये सभी जिम्मेदारियां अलग होना जरूरी है, तो फर्स्ट एड बॉक्स में चाहे स्कूल हो चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे फैक्ट्री हो चाहे या प्रोजेक्ट साइड में हो। वेज नॉन वेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित, चवीला टेस्ट हॉटेल रोहित चे जेवण बेस्ट, बर्थडे पार्टी कार्यक्रम विविध पार्टीचे ऑर्डर्स ही स्वीकारले जातील, ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय, आमचा पत्ता हॉटेल रोहित दादरस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप सोलापूर।